गुरुग्राम में जाट स्वाभिमान समिति ने बीजेपी पर लगाया जाटों के साथ वादा खिलाफी का आरोप। आरक्षण का लालच देकर हरियाणा और केंद्र में बनाई सरकार, यह आरोप लगाया। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने सीएम खट्टर के बयान पर किया पलटवार। किसान के नुकसान को बताया देश का नुकसान। सीएम खट्टर ने किसान के आंदोलन को बताया था बेवजह का आंदोलन। यशपाल मलिक का मंच से आगे आंदोलन की घोषणा। 16 अगस्त तक आरक्षण देने का अल्टीमेटम दिया। कहा 16 अगस्त को होगी आर पार की लड़ाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस। कृष्ण मुरारी बने मुख्य न्यायाधीश। चंडीगढ़ के राजभवन में दिलाई गई शपथ। पलवल के जनौली गांव में हनुमान मंदिर में मिली नवजात बच्ची। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। भिवानी में दिव्यांगों का क्रमिक अनशन शुरू। 10 जून तक मांग नहीं माने जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। पलवल में कांग्रेस नेता करण सिंह जलाल का सीएम खट्टर पर हमला। सीएम खट्टर को बताया नाकाम सीएम। रेवाड़ी में सिटी पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी। एक ठेके से दूसरे ठेके पर ले जा रही थी शराब। पुलिस ने पिकअप के चालक को गिरफ्तार किया। सिवनी में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने दो बाइक सवार लोगों को कुचला। दो की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक 7 साल की बच्ची की मौत। फरीदाबाद के पार्क अस्पताल की घटना। परिजनों ने मामला दर्ज कराया।